हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नेहा जीजी टिप्स ब्लॉग में आपका ढेर सारा स्वागत है और मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और ये देख सकते हैं कि मेरा सामने का पूरा तरह से किचन का खाली कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं अब साफ़ करने वाली हूँ और इस वजह से पूरा खाली कर दी हूँ। और देख सकते हैं अभी पूरा और नीचे का भी सब, क्योंकि अब तो पास आ गया दिवाली, 2-3 दिन बचा हुआ है और मैं सारे घर का काम करके लास्ट में सोची थी कि मैं किचन साफ़ करूँगी तो सही रहेगा, तो मैं इसी में लगी हुई हूँ। और इधर मैं खाना, और ये देख सकते हैं, अरे बाप रे, पूरा किचन का मैं निकाल के रखी हुई हूँ और ऊपर का सब मैं साफ़ कर दी हूँ। और इधर देख सकते हैं, मैं इधर दाल चढ़ा रही हूँ, साथ साथ खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि काम करते करते थकान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो खाना बनाने का भी हिम्मत नहीं बचा रहता है। सो मैं काम भी कर रही हूँ, प्लस खाना भी धीरे धीरे रेडी कर दूँगी ताकि समय से खिला दूँ। और रेस्ट तो अभी बोल ही नहीं सकती, क्योंकि रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है अभी के टाइम में। सो वही चल रहा है अभी। और इधर देख सकते हैं, जब मैं दाल, फ्राई वाला दाल बना रही हूँ तो उसके लिए मैं इडली बना रही हूँ। तो पहले मैं तेल में लहसुन, जीरा, बारीक प्याज कटा हुआ, ये सब डाल के उसको हल्का ब्राउन करके उसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल के, और थोड़ा सा लाल हो जाए हल्का तो उसमें मैं दाल ऐड कर दूँगी। उसको थोड़ा सा ये भूज के और पानी डाल के, धनिया पत्ती डाल के, हल्दी नमक डाल के उसको कुक कर दूँगी। और इधर मैं दिखाई हूँ जो मैं मीठा का पूड़ा बनाई थी, जो कि जिसे आप पैनकेक भी बोलते हो उस तरह का, सो मैं बनाई थी आज सुबह में, नाश्ता वही हुआ है। और इधर मैं दाल बना देती हूँ ताकि फटाफट से मेरा काम हो जाए। और ये सब सामने जो दिख रहा है, ये सब शाइनिंग अभी उसका थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है, आ रहा है, ये सब मैं कैमरा की वजह से उतना सही नहीं दिख पा रहा। ये सब मैं अभी साफ़ की हूँ। अभी बहुत ज़्यादा कुछ साफ़ करना है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। और किचन में चारों तरफ टाइल्स है, और टाइल्स पे है कि ग्रेनाइट टाइल्स, उस सब पे थोड़ा सा भी दाग रहे तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसको घिस घिस के सबको साफ़ करना है। सो करूँगी। और खाना में अभी मैं दाल बना देती हूँ, और उसके बाद चावल और सब्जी मैं बाद में बना लूँगी, ये बन जाएगा उसके बाद। सो आप लोग का दिवाली का सफाई कैसे चल रहा है? मेरा तो बस यही सब चल रहा है। मेरे घर रूम का सब काम हो चुका है, तीनों रूम का, हॉल का पूरा काम हो चुका है, बरामदा, आगे का, ड्राइंग रूम सब हो चुका है, बस मेरा ही किचन बचा हुआ था। और उसके बाद में वॉशरूम, सबसे लास्ट में 3 वॉशरूम हैं, उस सबको मैं लास्ट में साफ़ करूँगी। एक दिन नहाने से 1 घंटा पहले घुसूँगी और सबको क्लीन करके और तब नहा के निकलूँगी, ऐसा सोची हुई हूँ। और मैं ऐसा नहीं की हूँ कि दिन भर मैं काम ही करते रह जाऊँ। और इधर मैं चटनी बना रही हूँ, देख सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और अभी सर्दी के टाइम में चटनी बहुत टेस्टी बनता है धनिया के पत्ती का, सो वही मैं बना रही हूँ। सो इधर देख सकते हैं, ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा सामान भरा हुआ है। ये सब मैं निकाली हूँ कि सबको मैं साफ़ करूँगी, और थोड़ा बहुत जो मेड से भी हेल्प लेना हो सो उनसे मैं वो ज़्यादातर कुछ करती नहीं है, उनको वो कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने का और बिजी दिखाने का उनको शौक है। खैर, तो उतना मैं उन पे डिपेंड हूँ नहीं, खुद से भी बहुत करूँगी, पर थोड़ा बहुत जो होगा सो उनसे भी बोलूँगी हेल्प करने के लिए। सो इधर बहुत ज़्यादा सामान बिखरा हुआ है, समझ में नहीं आता ये सबको मैं क्लीन कैसे करूँ। और इधर मैं चटनी को कर ले रही हूँ और मिक्सी में पीस देती हूँ, बहुत कि मुझे सुनिए सिल्वर पे पे चटनी का टेस्ट अच्छा आता है, पर मैं सच कहती हूँ मुझे सिल्वर पे पे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे जैसा भी हो मैं इसी में अपना
बहुत रेयर केस में हुआ कि लाइट कट गया है या बहुत प्रॉब्लम है कि हाँ जल्दी जल्दी करना, तभी मैं सिलवट्टे को निकालती हूँ, नहीं तो सिलवट्टे को बहुत आराम से रख देती हूँ। कभी फिश वगैरह पता चल गया कि आना है तो पहले मैं सरसों पीस के रख लेती हूँ। देख सकते चटनी मेरा हो गया तैयार। ये जो नीचे का भी पूरा बर्तन दिख रहा है वो सबको भी मुझे हटाना है, वो सबको भी धोना है, बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है। और ऐसा अगर जो भी हाउसवाइफ मेरी वीडियो को देख रही हो वो ये सब बात से एग्री करेंगी, कितनी ज़्यादा परेशानी होती है घर को पूरा तरह से साफ़ करना है करना, बहुत ज़्यादा। इस तरह का डब्बा था मेरे किचन में, सबको मैं साफ़ करके रख देती हूँ ताकि कोई भी सामान एक्स्ट्रा हो तो वो करते करते ना सारा डब्बा भर जाता है। उसके बाद फिर डब्बा फिर लगेगा कि किचन में डब्बा बहुत कम है, लेकिन जब साफ़ करने जाओ तो लगेगा बाप रे कितना डब्बा है क्या। सो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। और देख सकते हैं पूरा लगे हुए हैं। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ सफाई का ब्लॉग नहीं, क्योंकि अभी का काम ही यही चल रहा है, सो यही करना है। और इधर देख सकते हैं मैं ये शैम्पू का यूज कर रही हूँ सफाई करने के लिए। सो मैं देख सकते हैं अब मैं इधर मैं दाल चढ़ा दी की सिटी अपना देते रहे, तब तक मैं जो भी मकड़ी का जाल वगैरह है उस सबको मैं साफ़ कर रही होगी। ऊपर का मैं ना निकालने का है, ऊपर भी बहुत ज़्यादा सामान है, पर वो निकालने का ना निकालने का रीज़न ये है कि कोई तो एक तो कोई मेरा हेल्प करवाने वाला नहीं है कि मैं ऊपर से कोई सामान दो तो नीचे पकड़ सके कोई, और दूसरा कि 3-4 महीना पहले ही पूरा घर पेंट हुआ था, उसी में सब सामान हट के फिर सारा रखाया, इस वजह से मैं ज़्यादातर ऊपर वाला कुछ नहीं कर रही। फिर भी जितना तक मुझसे हो पा रहा है मैं वो सब कर रही हूँ। और इधर देख सकते हैं मैं लग गई पूरा तरह से इसको रगड़ रगड़ के पूरा धोने ये करने में, और मैं लग रहा है कि आज मैं नहाऊंगी लेट से, खाना ही खा लूँगी, इस तरह का लग रहा है क्योंकि खाली पेट काम तो कर लूँगी बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, इस वजह से मैं खाली पेट ज़्यादा देर नहीं रह पाती हूँ। सो मैं कुछ खा ली हूँ और मैं अपना नहा लूँगी बाद में। ऐसा हो जा रहा है 2 दिन से कि मैं 4 बजे या 5 बजे शाम को नहा पा रही हूँ, उससे जब लेट हो जाता है तो कहीं ना कहीं मैं छोड़ देती हूँ। सो ये मैं शैम्पू से पूरा साफ़ कर देती हूँ। मैं टाइल्स जो भी होता है तो ज़्यादातर मैं शैम्पू ही यूज करती हूँ उसको रगड़ के और साफ़ करने में, जो है आपके टाइल्स में शाइनिंग बना रहता है, ये मेरा मानना है। ऐसे बाथरूम क्लीनर फ्लोर क्लीनर जो भी आता है उससे भी, और बाथरूम के लिए तो हार्पिक का बाथरूम क्लीनर है जो यूज करती हूँ, अपने किचन के लिए मैं यही यूज करती हूँ शैम्पू से। और ऐसे आप लोग सोचेंगे कि कितनी ज़्यादा ये करती है कि शैम्पू बर्बाद करती है, सो नहीं, आप एक्सपायरी शैम्पू भी यूज कर सकते हैं, हर के घर में एक ना एक या दो डब्बा पड़ा ही रहता है एक्सपायरी का, उसको आप फेंक के नहीं उसमें आप यूज में ला सकते हो। इधर तेल का पूरा चिकनाई लग गया है चूल्हा के पास, उसी को मैं रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। और इधर देख सकते हैं एक दो टाइल्स मेरा थोड़ा सा ये हो गया था, उसको साफ़ करने में मेरा वो टूट गया है। और इधर देख सकते हैं कितना अच्छा शाइनिंग आ चुका है, और इधर का सब मेरा अभी पड़ा हुआ ही है। सो बाय बाय।